हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ऋषिकेश ठोंबरे। आज इस वीडियो में समझिए भैया, कस्टमर आपके यहाँ पे क्यों नहीं रुकता, क्यों आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं आता, क्यों आपके बिजनेस में कस्टमर आते नहीं है और आते हैं तो आपके साथ लॉयल नहीं होते। इस वीडियो में मैं आपको 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से भी कस्टमर आपको छोड़ के जाता है। अगर आपने इसको इम्प्रूव कर लिया तो कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, उल्टा आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग बढ़ जाएगी, राइट। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला जो पॉइंट है वो है भैया पॉइंट ऑफ सेल। मतलब कि अगर भैया जो पॉइंट ऑफ सेल होता है ना, यहाँ पे अगर आपने किसी कस्टमर का दिल दुखा दिया ना, मतलब कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सेल क्लोज होने वाली होती है। और यहीं पे अगर आपने कस्टमर का दिल दुखा दिया, कस्टमर के साथ आपने बैड बिहेव कर दिया, तो वो भैया हो जाएगा उसका बैड एक्सपीरियंस। और इतिहास गवाह है कि भैया निगेटिव बात होती है ना, वो ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचती है ज़्यादातर, ज़्यादा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। जैसे कि अगर भाई देखो, किसी कस्टमर का अगर एक रिसर्च कहती है कि अगर कोई कस्टमर किसी ब्रांड के साथ में एक गुड एक्सपीरियंस फील करता है, तो वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों तक तो उसको एक्सपीरियंस को बताएगा। लेकिन अगर उसका किसी ब्रांड के साथ में अगर तानातानी हो जाती है, या उसका उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन वहाँ पर नहीं मिलता है, वो आप भी सेटिस्फाइड नहीं होता है ना, तो उसको 10-12 लोगों तक तो बता देता है। तो निगेटिविटी लोग ज़्यादा बता देते हैं, ये ज्यादा कारण होता है निगेटिविटी फैलने का। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हो तो कस्टमर आपके हिसाब पॉजिटिव करेगा, और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो ज्यादातर कारण ये होता है पॉइंट ऑफ सेल। ज्यादातर इंडिया में ज्यादा गड़बड़ यहीं पे होती है, अरे लेना है तो लेने दो, जा गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलता है। आपको पॉइंट ऑफ सेल पे ध्यान देना है कि भैया वो कस्टमर का क्लोज होने को है ना, तो उसको क्लोज करना है, उसके साथ में कभी भी तानातानी नहीं करना, उसको हाँ में हाँ बोलते रहो, कुछ भी बोलो, हाँ बस हर मतलब कि सोच समझ के बोलो। अगर वो ऐसा बोलता है कि भैया मेरा दिमाग तो खराब है, तो ऐसा मत बोलना कि हाँ खराब है आपका दिमाग, नहीं, थोड़ा मतलब कि उसके हाँ में हाँ मिलाना है और उसको सेल में क्लोज करवा देना है, ये होती है पॉइंट ऑफ सेल, राइट। तो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अगर आप गड़बड़ कर देते हो तो कस्टमर चला जाता है, सीधी बात। दूसरा आता है भैया इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। आप कस्टमर का फीडबैक अगर इग्नोर कर दोगे ना, तो भी कस्टमर चला जाता है। देखो, कस्टमर फीडबैक क्यों देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको इम्प्रूव करो, दैट्स इट। इसलिए तो कस्टमर फीडबैक दे रहे हैं ना आपको, इसलिए तो आप बता रहे हैं कि देखो ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर आप उसी को इग्नोर कर दोगे तो वो बोलेगा यार ये तो मेरी सुनता भी नहीं है, ये वही चीप प्रोडक्ट बनाता है, उसे चेप देता है, खत्म, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो भंगार क्वालिटी हो जाता है, राइट। तो कस्टमर फिर छोड़ के जाता है। तीसरा कारण भैया सोशल मीडिया। आप अपने कस्टमर को भी सोशल मीडिया के ऊपर भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे तो प्रॉब्लम है। देखो, ऑफलाइन के अंदर अगर कस्टमर खराब हो, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, तो कस्टमर 10-15 लोगों को बता देता है कि भैया ये खराब है, मत जाओ मत जाओ, तोड़ देता है कस्टमर को। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ऑनलाइन होती है ना, तो कस्टमर 1000 लोगों को बता देगा कि भैया इसके पास मत जाओ। तो आप अपने कस्टमर को सोशल मीडिया के ऊपर भी अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिए, उनको वहाँ पे भी समझिए, अगर वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं पे उसका सोल्यूशन भी उनको बता दीजिए हो सके तो, और उस मामले को वही दबा दीजिएगा, नहीं तो अगर वो बढ़ गया ना तो आपका बिजनेस दब जाएगा, मतलब कि नहीं हो पाएगा, सीधी बात। चौथा है भैया देखो, पुटिंग कस्टमर ऑन होल्ड। कस्टमर को देखो कभी भी होल्ड पे नहीं रखना चाहिए। अगर मान ले तो भाई आप एक कस्टमर के नजर जैसे देखो, राइट, मतलब कि आपने अभी किसी बिजनेस को फोन लगाया, आपका भाई अर्जेंट काम था, आपको प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, तो आपने वहां पे फोन लगाया, लेकिन उसका जो कॉल सेंटर वाला है वो आपका फोन ही नहीं पिक कर रहा है। उसका जो कॉल सेंटर का IVR है, IVR यानी कि इंटरएक्टिव वर्चुअल रिस्पॉन्स है, जो बोलता है ना कुछ समय बाद कॉल कीजिए, ये बार कॉल कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, ये दबाइए, वो दबाइए, वो आपका टाइम ले लेता है, जिससे आप कस्टमर जो होता है ना इरिटेट हो जाता है। और ऊपर से अगर वो कस्टमर सर्विस वाले ने ठीक से बात नहीं की तो भी खत्म। तो किसी भी कस्टमर को भी ज़्यादा टाइम आप लगाते हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उसका पेशेंस का दी एंड हो जाता है और वो आपको छोड़ जाता है। तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपने यहाँ पे वही बहुत ज़्यादा टेलीकॉलिंग सिस्टम्स है, मतलब ये कॉल सेंटर अपने यहाँ पे वही बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर छोटी से बड़ी कंपनी का कॉल सेंटर होता है, क्योंकि भाई कस्टमर सर्विस के लिए। लेकिन भाई वहाँ पे कस्टमर को जितना होल्ड करना पड़ता है ना, वो भाई आप सोच नहीं सकते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर को होल्ड करना, मतलब कि भाई उसको एक तरीके से रोक देना, समझ रहे हो। तो बोलेगा यार भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो वो आपको छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। अब पांचवा कारण है भैया कांट फिक्सिंग अ बैड सर्विस। देखो, इंडिया के अंदर ना ज्यादातर बिजनेस इस वजह से भी बंद हो जाते हैं कि भाई उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती। देखो, कस्टमर क्या बोलता है, देखो भाई मैं तेरे को फीडबैक दे रहा हूँ, अगर तुझे तूने इम्प्रूव ही नहीं करना है तो मैं तेरे पास रुकू ही क्यों। अगर आप भाई कोई ऐसी सर्विस बना रहे हो जाओ जिसकी भाई कुछ कमियां है,
लेकिन आप उन कमियों को फुलफिल ही नहीं कर रहे हो, ऐसे मार्केट के अंदर उसे चेप रहे हो, तो जाहिर है मार्केट आपको फोड़ देगा, आपको हकाल देगा वहां से, कस्टमर आपको भगा देगा उस मार्केट से, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है कि भैया आप उसकी नीड ही फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, तो जाहिर है वो आपको नहीं चुनेगा, वो आपका आपको पैसा नहीं देगा उस चीज के लिए, क्योंकि भाई उसको तो उसके अंदर वैल्यू मिल ही नहीं रही है, उसके अंदर तो उसको बैड सर्विस मिल रही है। अब बैड सर्विस के लिए थोड़ी ना कोई पैसे देता है, तो आपको आपके बिजनेस के अंदर बैड सर्विस को हटाना है और उसे फिक्स कर देना है गुड सर्विस में, उसको टर्न करना है गुड सर्विस के अंदर, राइट। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कैसे कस्टमर सर्विस को बिल्ड करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसी कस्टमर सर्विस के रिलेटेड मैं वीडियो बताऊंगा आगे चल के। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।